बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से होती है। उसके बाद तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना हो जाते हैं। दिल्ली रवाना होने के पहले तेजस्वी यादव अपने तमाम विधायकों को राजधानी पटना बुलाते हैं, बैठक होती है। उसके बाद दिल्ली निकल जाते हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार पहुँचते हैं। पटना में उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से होती है, बीजेपी नेताओं से होती है। और इस बीच राबड़ी देवी बाहर निकली है अपने आवास से। राबड़ी देवी ने कमान संभाल ली है, क्योंकि तेजस्वी यादव बिहार में मौजूद नहीं है, तो राबड़ी देवी ने कमान संभाल ली है। क्योंकि नीतीश कुमार आज भी सफाई देते हुए नजर आए जेपी नड्डा के सामने कि दो बार गलती हो गई, अब गलती नहीं होगी, इधर उधर नहीं जाना है, पुराना रिश्ता है आप लोगों के साथ और अब यहीं बने रहेंगे। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले बिहार में सियासी खिचड़ी पकनी शुरू हो गई है। कहा यह भी जाता है कि नीतीश कुमार राजनीति के एक अप्रत्याशित चेहरे हैं। वो बाएं हाथ से जो काम करते हैं दाहिने हाथ को भी पता नहीं होता है। जिस तरह से नीतीश कुमार का रवैया रहा है बीते 5 वर्षों में, कभी महागठबंधन की सरकार, कभी NDA की सरकार, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। तो अब देखना दिलचस्प रहता है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले बिहार में क्या कुछ सियासी हलचल होती है, क्या सियासी खिचड़ी पकती है। और जिस तरह से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई, उसके बाद RJD ने बैठक बुलाई, तेजस्वी यादव ने तमाम विधायकों को राजधानी पटना बुलाया, उसके बाद तेजस्वी यादव दिल्ली जाते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजधानी पटना पहुँचते हैं, नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात होती है, और इस बीच राबड़ी देवी अपने आवास से बाहर निकली हैं। अब देखना दिलचस्प रहता है कि आगे क्या कुछ खबर निकलकर सामने आती है। आप बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, एक एक पल की जानकारी, एक एक पल की खबर आप तक पहुंचती रहेगी। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।